हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सचित एंड वेलकम टू द अदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। सो अभी मैं हूँ फर्स्ट सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर आईपी पावलोव के मेन कैंपस के अंदर। सो इस वीडियो में हम आपको यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस भी दिखाएंगे और जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो एडमिशन प्रोसेस है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो दिस इज़ द मेन कैंपस ऑफ पावलोव यूनिवर्सिटी। कैंपस की एक मैं आपको बता दूँ, रशिया में काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिनका कैंपस एक ही जगह पर सिचुएटेड है और पावलोव यूनिवर्सिटी उनमें से एक है। सो इस कैंपस पे मोस्टली हॉस्पिटल्स लोकेटेड है। उस तरफ जितने भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हो वो सारे यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स हैं और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं वो भी कैंपस के अंदर ही लोकेटेड है। यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो सिटी सेंटर से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन सिटी के अंदर ही है कैंपस। और हॉस्टल्स की बात करो तो यूनिवर्सिटी के मेन 4 हॉस्टल्स हैं जो कि अलग अलग टाइप में डिवाइड है, लाइक कॉरिडोर टाइप हॉस्टल है, ब्लॉक टाइप हॉस्टल है जिसे हम अपने आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ अपार्टमेंट टाइप हॉस्टल्स भी है जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं तो उस टाइप के हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी के हैं, अलग अलग टाइप के डिवाइडेड है ये। और हॉस्टल जो है एक दो हॉस्टल यूनिवर्सिटी के कैंपस बिल्कुल साथ में है और एक दो हॉस्टल्स जो है वो अराउंड 5 to 6 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल लाइक कैंपस के अराउंड ही हॉस्टल्स हैं। सो अभी हम चलते हैं एडमिशन कमेटी और साथ में हम आपको दिखाएंगे यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है जहाँ पे रेक्टर का ऑफिस होता है वो भी, और आपको यूनिवर्सिटी के बारे में जो एडमिशन प्रोसेस है, जो मेन एडमिशन प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना होता है एडमिशन लेते वक्त, वो हम आपको बताएंगे। सो मेरे सामने है स्टालोवाया मीन्स कैंटीन। सो कैंपस के अंदर ही कैंटीन है जहाँ पे रशियन फूड मिलता है। रशियन फूड लाइक बिना स्पाइसेस के होता है, जैसे कि पास्ता, नॉर्मल राइस, थिंग्स लाइक डेट एंड चिकन। सो इस टाइप की आइटम्स आपको कैंटीन में मिलती है। सो दिस अगेन इज़ द मैप ऑफ पावलोव यूनिवर्सिटी एंड एज यू कैन सी हेयर द फर्स्ट बिल्डिंग। सो हेयर इट इज़, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कहाँ पे कौन सी फैकल्टी है और कौन से बिल्डिंग में एग्जैक्टली क्या है। सो एज यू कैन सी द फर्स्ट बिल्डिंग यू कैन सी हेयर, हेयर यहाँ पे है रेक्टर का ऑफिस है, डीन्स का ऑफिस है एंड मेडिकल फैकल्टी, इसके अलावा फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे सारा रशियन लैंग्वेज में जो है मेंशनड है। और ऐसे ही सिमिलरली सेकंड बिल्डिंग जो है थ्रेड में देख सकते हो, वहाँ पे यहाँ पे रशियन में मेंशनड है, लाइब्रेरी है, इसके अलावा एडमिशन डिपार्टमेंट है और कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि बायो केमिस्ट्री, इसके अलावा केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं ये मोस्टली यूनिवर्सिटी के पॉलीक्लिनिक्स एंड क्लिनिक्स हैं, सारे यहाँ पे मेंशनड है इस मैप में। सो ये था कैंपस अंदर से, अब चलते हैं फ्रंट साइड। बात करें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी में सीट्स कितनी है। तो इस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम कोर्स होता है, लेकिन जो सीट्स है इंग्लिश मीडियम एमबीबीएस कोर्स की वो है सिर्फ 30 सीट्स। और ये 30 सीट्स जो है ये सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मिला के 30 सीट्स अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम एमबीबीएस कोर्स के लिए। और इन 30 सीट्स के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट्स आते हैं,
केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो आपको अपना कोर्स, जो मेन कोर्स है वो स्टार्ट करने से पहले आपको 1 ईयर का प्रिपेटरी कोर्स करना होगा, रशियन लैंग्वेज का प्रिपेटरी कोर्स करना होगा, वो मैंडेटरी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, पहले रशियन लैंग्वेज में होता था लेकिन अभी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, लेकिन फिर भी आपको 1 साल का प्रिपेटरी कोर्स करना होगा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले। प्रिपेटरी कोर्स की जो फीस है वो है तकरीबन 1,55,000। सो ये है फ्रंट यूनिवर्सिटी का। डेट राइट ओवर देयर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पावलो यूनिवर्सिटी। प्रिपेटरी कोर्स की एग्जैक्ट जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 9 मंथ्स। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में तभी आपका एडमिशन होता है। एडमिशन जो है वो मेरिट बेस्ड पे होता है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो MBBS कोर्स है, इंग्लिश मीडियम MBBS कोर्स की अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, तो यूनिवर्सिटी में जो MBBS कोर्स है इंग्लिश मीडियम, उसकी फ़ीस है 380,000 के अराउंड। और ये फ़ीस लास्ट ईयर तक थोड़ी रिड्यूस होती जाती है। आप स्क्रीन पे एग्जैक्ट नंबर देख सकते हो, एग्जैक्ट फ़ीस देख सकते हो कि कितनी है पर ईयर की फ़ीस। सो इस रीज़न की वजह से जो एक्स्ट्रा 1 ईयर का प्रिपेटरी कोर्स होता है यूनिवर्सिटी में, जो कि मैंडेटरी होता है, इसी रीज़न की वजह से काफ़ी कम इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। और सीट्स भी जो है यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम है। और जो ड्यूरेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 1 साल का प्रिपेटरी कोर्स मैंडेटरी है, तो ड्यूरेशन जो हो जाती है MBBS कोर्स की, हो जाती है 6 ईयर्स, जो कि MBBS कोर्स की ड्यूरेशन है, प्लस 1 ईयर प्रिपेटरी कोर्स। सो टोटल जो ड्यूरेशन हो जाती है वो जाती है 7 ईयर्स। The hospitals of Pavlo University, और अभी मेरे सामने है यूनिवर्सिटी का हॉस्टल। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सिटी के 4 मेन हॉस्टल्स हैं, जिसमें से एक हॉस्टल बिल्कुल ही कैंपस के सामने है और एक हॉस्टल जो है वो दूसरी तरफ है, और 2 हॉस्टल्स हैं जो कि बिल्कुल रिवर के साथ है। अराउंड 5 to 6 मिनट्स का ही बुकिंग डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट कैंपस के सो दिस वॉज द मेन कैंपस ऑफ पावलो यूनिवर्सिटी। सेंट पीटर्सबर्ग में अगर आपको MBBS करनी है तो ये एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम MBBS कोर्स है पूरे 6 साल तक। बट यहाँ पे पहले आपको 1 ईयर प्रिपेटरी कोर्स जो है करना होगा, उसके बाद ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं जो मेन MBBS कोर्स है उसमें। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।